नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल रोहिताल ब्लॉग्स। आज हम फिर दोबारा रोज़ पार्क क्लब में आए हैं। थोड़ा मैं गलत बोल जाता हूँ कभी कभार, रोज़ पार्क क्लब लोधी गार्डन। मैंने जैसे आपको हमेशा बोला है कि लोधी गार्डन एक ज़िंदगी का हिस्सा है, तो यहाँ पे हर हफ्ते एक पार्टी बनाई जाती है। तो आज हमारी जो पार्टी है, जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं परवेश वर्मा जी जो MP हैं, और देवेंद्र गिल जी जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इस पार्टी को तब तक आओगे। देवेंद्र जी नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। और वोरा साहब नमस्कार। सर, आप जो ये पार्टी आज ऑर्गेनाइज, मतलब किसकी तरफ से हो रही, कुछ बताएंगे? ये परवेश वर्मा जी की ओर से जो MP हैं, हाँ, BJP के। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, उनकी ओर से उनके छोटे भाई सिद्धार्थ जी खड़े हैं सेक्रेटरी के लिए DDCA इलेक्शन में। अच्छा, हाँ, उस वजह से ये पार्टी बनी है। तो ये सर, मतलब ये प्रवेश जी अभी जो DDC के लिए इलेक्शन के लिए खड़े हैं, सिद्धार्थ जी सेक्रेटरी के लिए खड़े हैं। उनका बैलेट नंबर 2 है, पोस्ट सेक्रेटरी, और बैलेट नंबर 2 DDCA। जो भी क्रिकेट एसोसिएशन दिल्ली के मेंबर हैं वो इसको वोट कर सकते हैं। ये 25-26-27 तीन दिन तक चलेगा। पहले ही ये स्पोर्ट्स पर्सन है जो पूरी टीम के अंदर अकेले ही खड़े हैं, और राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं सब पॉलिटिशियन हैं सिद्धार्थ जी, लेकिन सिद्धार्थ जी बिल्कुल ही स्पोर्ट्स पर्सन है। तो ये सिद्धार्थ जी हैं? हाँ, ये सिद्धार्थ जी स्पोर्ट्स पर्सन है, पॉलिटिकल इलेक्शन तो होता है, लेकिन ये रणजी प्लेयर है, ये खुद ही रणजी के 40-45 मैच खेले हुए, और स्पोर्ट्स पर्सन है। मैं एक एज ए स्पोर्ट्स, क्या क्या सुधार होगा, मतलब अगर अगर आते हैं इस सेक्रेटरी की पोस्ट पे, सिद्धार्थ जी के क्या क्या आपको बताएंगे, क्या क्या सोचा है, क्या क्या सुधार होगा? बिल्कुल क्लीन होगा जी सब कुछ, जो आगे चलता थी और दादाबाजी उधर से देखे थे, उधर से उसको सिलेक्ट कर रहे, उसको करा दे, वो नहीं होगा। सिद्धार्थ जी के आते ही सेक्रेटरी बनते ही ये काम बंद हो जाएगा सारा, और बिल्कुल जो असली प्लेयर है वही जाएंगे आगे। आपकी कुछ, मेरी भाई लोगों से अपील है, एक स्पोर्ट्स पर्सन है, और रणजी खेलना कोई छोटी बात नहीं होती, रणजी प्लेयर हैं, तो लोगों से अपील है कि मतलब जो सुधार करना चाहते हैं, हाँ, सुधार करेंगे और सुधार होगा। तो स्पोर्ट्स पर्सन है, एक अननोन को खिला दे, एक स्पोर्ट्स को खिलाए जो स्पोर्ट्स में मेहनत करता है, 10 साल से मेहनत कर रहा है, उतना जगह मिले तो बड़ा दुख होता है। जी जी जी, एक तो ये खुद ही प्लेयर हैं, क्रिकेट को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, तो जो सुधार ये कर सकते हैं ना, तो जो क्रिकेट का जानकार नहीं होगा वो नहीं कर सकता, तो इनका आना बहुत ही जरूरी है। हमारी एनालिसिस है कि ये जीते हैं सर, दिखाई नहीं दे रहा है क्या चक्कर? सर, आपके कुछ विचार सिद्धार्थ जी के लिए? सिद्धार्थ जी के लिए, जो DDCA इलेक्शन जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे, जरूर जीतेंगे, जो हमारे क्लब में आके पार्टी देंगे वो तो जीतेंगे। ये पहले भी डायरेक्टर थे। अच्छा, हाँ, ऑलरेडी डायरेक्टर थे। अच्छा, सेक्रेटरी के लिए खड़े हुए हैं, पहले डायरेक्टर DDCA। वैसे काफी जो कंपटीशन हो रहा है काफी टफ सा लग रहा है, टफ सा लग रहा है मुझे। आपके आपके क्या विचार है सर, जो कंपटीशन जिस तरह से हो रहा है? कंपटीशन तो इसके अंदर मेरे ख्याल से जेटली जी के जो जी उनके जो बेटे इन्वॉल्व हो रहे हैं इसके अंदर, रोहन जी, रोहन जेटली भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, और यहाँ से शायद पिछले दूसरे पार्टी हुई थी, दूसरा ग्रुप जो है वो भी स्ट्रांग है इस समय अभी, तो इसलिए काफी टफ जो है कंपटीशन। पर इस टाइम जो है ना, हमारे सिद्धार्थ जी बड़े स्ट्रांग हैं, सब लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, और हमारी वेल विशेस है कि वो जीत के आए, भारी मतों से जीत के। ये ग्रुप जो है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं विकास सिंह जी, वो प्रेसिडेंट के लिए खड़े हैं। अच्छा, और ये सेक्रेटरी के लिए खड़े हैं, ये उनका ग्रुप है सर। अच्छा, विकास सिंह जी का, विकास सिंह जी बहुत माने हुए आदमी है सुप्रीम कोर्ट। हाँ, लास्ट वीक उन्होंने पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी, विकास सिंह जी ने। बिल्कुल, चलिए, हम तो हमारे चैनल की तरफ से सबको बेस्ट विशेस करते हैं, जो भी जीते सब हमारे सर आंखों पे है, बाकी बस सुधार होती रहे, हर चीज में सुधार रहे। टोनी सर, बताइए सर, जो इलेक्शन होने वाले हैं। नमस्कार जी, नमस्कार। तो अभी सिद्धार्थ जी के लिए जो आज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पार्टी यहाँ पे, वो DDCA के लिए हमारे सेक्रेटरी के लिए खड़े हो रहे हैं, तो उनके मैं विचार जानना चाहता हूँ आपकी तरफ से क्या? सर, ऐसा है, सिद्धार्थ का मैंने प्रोफाइल पता किया, ये हमारे भाई खड़े हैं गिल साहब, चले गए सुरेंद्र गिल जी,
उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात बताई कि ये पहले डायरेक्टर भी रहे हैं डीडीसीए के और 40 से ऊपर मैच रणजी ट्रॉफी के खेल चुके हैं। अच्छा तो यार डीडीसीए में तो पॉलिटिकल बंदों को क्या करना है, हमने स्पोर्ट पर्सन चाहिए, हमें स्पोर्ट्स पर्सन चाहिए जिसको ना फीलिंग पता हो प्लेयर की क्या प्रॉब्लम है, स्पोर्ट्समैनशिप हो रही है वो चीज होनी चाहिए। तो मैं तो चाहता हूँ जितने भी मेंबर जीते हैं सारे स्पोर्ट्समैन ही होने चाहिए। पर इस बार सर मुझे लगता है काफी कंपटीशन काफी टफ हो रहा है। तो मतलब टफ नहीं, बहुत ज्यादा मतलब लंबा और इतना, हमने तो कभी 30 साल मुझे तो यहाँ लोधी गार्डन में हो गई ये पार्टियां चलाते हैं, डीडीसीए वाले कभी नहीं आए, एमसीडी वाले एमएलए वाले आए और वैसे लोकसभा वाले भी आए और बाकी डीडीसीए वाले कभी नहीं आए, पहली बार आए। चलिए हमारे हमारे जो ये जो है डीडीसी इलेक्शन बड़ा रोमांचक हो गया और जो है वो जीते और जो जो हमारा क्लब है काफी नाम हो रहा है क्लब का, क्लब को आना चाहिए, जनता भी खुश है, खाओ पियो मौज करो। बोल के किससे बोल रहे यहां पे, प्रण मुखर्जी से लेके और केजरीवाल तक की यहाँ पे जो है वो हमने यहाँ पे शुभकामनाएं दी हैं उनको और उनको यहाँ पे बुलाया भी है, उनका स्वागत भी किया है और हमारा ये सर्व धर्म और सर्व पार्टी क्लब है जिसका नाम रोजगार है, जिसे शुभकामनाएं दी वो जीता है। बोलता हूँ जहाँ पे इस क्लब में आए हैं मैं कहूँ सबकी टिकट फ्री होनी चाहिए, जो भी मैच सब मेंबरों की क्लब की है, हमारे यहाँ जो भी है वो जीता है और अभी पर सर हमारे यहाँ पे तो सारे आ रहे हैं। देखो हम हाल से कमी कौन लेते हैं, हमने दो चार मेंबर तो हमने बनवा ही देने हैं अगर हमारे यहाँ पे जो बंदा गया और बन गया। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स द स्पिरिट, इस क्लब की जो स्पिरिट है यही है कि मतलब इतने सारे अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, इतने अच्छे अच्छे औहदा है। आप अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे ना हमारे क्लब का 30 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, यहाँ शुरू शुरू में हमने ऐसी ऐसी हस्तियों से पार्टी ली हुई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुजंती माला, प्रण मुखर्जी, ये अनंत शर्मा वगैरह, मैं गिनता जेटली विजय गोयल जी, माकन जी, पीयूष गोयल जी, और वो जो एचआरडी मिस्टर का कौन नाम था वो, क्या नाम है उनका, जिसकी वो गोरा गोरा था, हाँ वो महाराष्ट्र से है, इतने ही लोग यहाँ आए और ये जो आजतम राजस्थान के सीएम है क्या नाम है उनका, गहलोत जी, गहलोत जी यही वॉक करते थे, यहाँ खींच के मैं यहाँ ले आया था उनको, चला यार मजा आ गया, ये खाने का मजा आया जब खाने का मजा आया ये मुझे नहीं पता, जावेडकर ये जो प्लेटफॉर्म है ना न्यूट्रल, कांग्रेस हो बीजेपी हो हमें फर्क नहीं पड़ता है, बस ये है कि हमारे मेंबर से आके प्रेम से मिले, अपने बारे में बताए, अच्छा है तो वोट दे देंगे भाई। नहीं बिल्कुल बिल्कुल फर्क तो पड़ता है जी, माइलेज तो मिलती है कि जिसको अगर क्लब चाहेगा, ये मंच है, ये मंच कोई भी आके अपनी बात रख सकता है, हमें नॉन पॉलिटिकल मंच रख सकता है, अगर अच्छा है तो लोग उसको जिताएंगे, यहाँ सारे अलग अलग पार्टी को भी अंदरूनी तौर से बिलोंग करते हैं मगर यहाँ सब आगे न्यूट्रल न्यूट्रल। सर वैसे आप क्लब के बारे में बता रहे, क्लब क्या चाहता है जो सुधार हो वहाँ पे, क्लब ये चाहता है कि वहाँ सारे क्रिकेटिंग वर्ल्ड के लोग आए, पॉलिटिशियन ना आए डीडीसीए में और वहाँ का सुधार हो। अभी देखो ना ये स्टेडियम जो है कोई इतना बढ़िया स्टेडियम नहीं है, अभी तो आईपीएल के मैचेस मैंने देखे, दुबई का स्टेडियम देखो दंग रह जाता बंदा देख के, बिल्कुल दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम है। अब ये दिल्ली यार ये वर्ल्ड कैपिटल है, इट इज़ ए इंटरनेशनल सिटी, यहाँ दुनिया भर के लोग आते हैं और यहाँ की तो हर चीज़ बढ़िया होनी चाहिए। स्टेडियम तो मैं कहता हूँ इनको चाहिए बहुत मार्वलस बनाए, लेटेस्ट बनाए, अच्छा बनाए और प्लेयर्स को फैसिलिटी बहुत दे और जो लोग देखने आते हैं उनको भी अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट, जिसमें टैलेंट हो उसको लाया जाए। हाँ। सबसे बड़ी बात यही है जो मतलब टैलेंट हो वो लोग आया जाए, जो स्ट्रगल कर रहा है जो अच्छा काम कर रहा है उसको आना चाहिए। करप्शन थोड़ी बहुत हर जगह हो जाती है तो उसको कोई हम इग्नोर करते हैं, अगर किसी ने काम कर दिया है तो अगर माइनर करप्शन भी है तो कोई फर्क, उसने ना भी की हो मैं नीचे लोग कर देते हैं, आप किसी को रोक नहीं सकते। एग्जैक्टली, इसलिए थोड़ा बहुत चलता है आटे में नमक चलता है मगर नमक में आटा नहीं होना चाहिए, बस ये है हमारी पॉलिसी कि अच्छे तरीके अच्छे लोग आए। अब सिद्धार्थ जी से मैं पहली बार मिलूंगा, मैं पहले कभी नहीं मिला, प्रवेश जी से रोज ही मिलते हैं हम, जी जी जी, तो प्रवेश जी से मुलाकात, तो हमारे क्लब के मेंबर भी हैं, मेंबर भी है हमारे रोजपा क्लब के, जब भी आते हैं तो वो यही कहते थे मुझे यार तो नहीं देख मैं विदाउट इन्विटेशन आया हूँ, मैं कहता मेंबर को इन्विटेशन नहीं जाती। तो धन्यवाद, फिर दोबारा मिलते हैं, धन्यवाद।
मनोहर जी नमस्कार, हमारे चैनल पे आने के लिए। आप कितने साल से यहाँ पे आ रहे हैं? वैसे मैं कोई 10-11 साल हो गए मुझे। हाँ हाँ, और 10-11 साल से यहाँ पर योगा प्राणायाम करते हुए और लोगों को भी सिखा रहे हैं, जितना भी बांट सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान सबको देना चाहते हैं। जी जी जी, सबको ये कहते हैं, देखिए सबसे ज्यादा अच्छा था कि श्वास हमारी सबसे जरूरी है, श्वास के बिना हम जी नहीं सकते। और श्वास ही हम लोग उल्टा लेते हैं, श्वास को उल्टा लेते हैं कैसे कि जब हम सांस भरते हैं तो पेट हमारा अंदर जा रहा है, जब सांस छोड़ रहे हैं तो पेट बाहर आ रहा है। ये गलत है, श्वास जब हम भरे तो पेट हमारा बाहर की तरफ निकले, लंग्स हमारे फूले, जब सांस छोड़े तो पेट हमारा अंदर की तरफ निकले। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत, ये ज्ञान कोई भी किसी को नहीं बांटता। चलिए, आपका मैं अलग से ब्लॉग बनाऊंगा, ठीक है? तो ये बहुत धन्यवाद 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 पटना जी, वेलकम टू माई चैनल। मैं जस्ट ये बाना, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से आपको यहाँ पे देखता हूँ, लोरी गार्डन में आप आते हैं काफ़ी सालों से, मतलब मुझे हो गए 10-12 साल तो मुझे हो गए आपको देखते हुए, आप वहाँ पे पीछे योगा करते थे। हाँ हाँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी जो DDC का इलेक्शन होने वाला है, इसके बारे में आपके क्या राय है, क्या क्या मतलब होना चाहिए वहाँ पे, क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए? DDC इज़ ए बॉडी, प्रोबेबली आई वुड पर्सनली बिलीव दैट इट शुड एनकरेज द यंग टैलेंट्स फर्स्ट, सेकेंडली I mean, right from the beginning, I have heard of so many groups, so many factions, so many politics. But ultimately, the end user, that is the cricket and the cricket lovers and particularly the talents, that should be, you know, it shouldn't be sacrificed at any cost. The talent should be taken out and they should be given their chance. So how to do it, minus the politics part of it, that should be the endeavor of DDC. That is one. Second, at times we all concerned for our own benefit and all. That should be the last thing in DDC. If one thing is, you know, one can assure that the body which is going to be elected, of course they're good people. I mean, this year there are a number of people who are contesting for the election. They're nice, they're good. But ultimately I would suggest that the people who are going to come into the, you know, the executive body or executive committee, they must take that, you know, responsibility upon themselves that the people of Delhi should be benefited whenever there is a function, there is a sports or there is a game happening, that every citizen of this country or every citizen of this, you know, the Delhi as a state should get benefited. But last but not the least, ultimately DDCA is the image of cricket in Delhi. If it comes off well and people, you know in the Kerala, Jammu or Bombay or any place, they follow the DDCA very keenly. So if we keep our image above our own self-interest, then probably it is going to give back a message to the posterity that people would say that DDC is the body where we should emulate and we should follow. That's my message. And all the best to all candidates, and I'm sure the good people will come out this time. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. नमस्कार सर, वेलकम टू माय चैनल। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो अभी मोदी जी ने 100 करोड़ का आंकड़ा वैक्सीन का वो पार करा है, तो आपके क्या विचार है इसके लिए, बताएंगे? बिल्कुल पॉजिटिव विचार है, ही इज डूइंग वेरी गुड फॉर द कंट्री। यस, और जो कई मतलब कई महीनों से सुनने आ रहा था इंटरनेशनल लेवल पे कि इंडिया पे वैक्सीन नहीं आ पाएगी कभी, सब ऐसे होगा, फील प्राउड ऑफ मोदी जी, वी फील प्राउड ऑफ मोदी जी, मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, मोदी है तो 100 करोड़ का आंकड़ा बहुत जल्दी पार कर लिया हमने। बिल्कुल ग्रेट मैन, मतलब हिस्ट्री हमने बिल्कुल बिल्कुल बना दी है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद सर। मोदी जी है तो मुमकिन है, उन्हीं के कारण हो पाया, अदरवाइज मुझे तो लगता है इम्पॉसिबल लग रहा था सब लोगों को, जैसे राजनीतिक दल बोलते थे। हाँ हाँ, 3 महीने उन्होंने इतनी वेटिंग करवा दी, हो सकता है ये टारगेट पहले भी पूरा हो सकता है। जैसे पहले मैंने सुना था कि कई राजनीति दल जो अपोजिट जो है, वैक्सीन कहाँ पे है, मोदी जी की वैक्सीन क्या है, ये मोदी जी की वैक्सीन है, कई राजनीति दल जो बोलते थे, वो सबके मेरे ख्याल से बिल्कुल सभी राजनीति जितने भी लोग थे सबने मिसगाइड किया है हिंदुस्तान की जनता को। 3 महीने उन्होंने वेस्ट किए हैं, वैक्सीन बनाने में देरी हो गई, जब वैक्सीन कम थी तो कहते थे मोदी जी की वैक्सीन कहाँ है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज जब 100 करोड़ वैक्सीन लग चुकी है तो उन लोगों को सांस सूख गया है, उनको लगा है कि मतलब ये भी सुनना ही देता था कि
वैक्सीन देश का नाम है पूरे वर्ल्ड में। ये डॉक्टर धर है, मैं डॉक्टर ये डॉक्टर धर है। इस चीज को ये बनाना एक मामूली बात नहीं होता सर, एक वैक्सीन का इसमें ये तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतनी संख्या में लोग। अगर ये और किसी कंट्री में होती तो मेरे ख्याल से इतना जल्दी हो नहीं पाता। हो नहीं पाता सर, इतनी जल्दी जनसंख्या 5 करोड़ की है, वहाँ तक नहीं हो पाया अभी तक। कई कंट्री है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, छोटे छोटे बहुत सारे स्टेट्स में दो बार भी लग चुका है, दोनों दो सर। मीडिया तो बहुत कुछ बोलता है, उसको फॉलो करो ना आप। मीडिया तो कहता है जी मोदी जी है तो मुमकिन है ना, आप उसको मानो। फिर कहते हो कि चैनल हमने खरीद, जिंदे लगवाओ ना आप लोग, आप लोग जिंदों को लगी है ना ये मीडिया कहती है 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा है। पॉइंट ही नहीं है, देखो ये बीमारी है, दूर हो जाए सबके लिए। नहीं, जो भी लगा है वो अच्छा हो गया है। कुछ लोग ना कोरोना का एक मजाक के वे में ले रहे हैं, अगर ये वैक्सीन ना लगती, अगर मान लो हमें ये वैक्सीन खरीदनी पड़ती, बाहर से खरीदनी पड़ती, हमारी इकोनॉमिक कितना बोझा पड़ता। मोदी जी ने, अपने साइंटिस्टों ने, हमारे सब लोगों ने मिलकर जो ये वैक्सीन तैयार करके लोगों को प्रोवाइड करी है और लोगों को जीवन दान दिया है, समझ लो। आज कोरोना की जैसे कह रहे थे तीसरी लहर आने वाली थी, उसका रोकथाम हुआ है। कहते थे अक्टूबर में इतनी लहर आ जाएगी, तीसरी लहर आ जाएगी, ये संभाल नहीं पड़ेंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। मोदी जी ने 2 साल तक गरीबों को फ्री राशन बांटा है। देखो इतना बड़ा देश जिसमें 140 करोड़ की आबादी हो और किसी को अगर 10 किलो राशन भी दिया जाए तो भी देख लो कितना आपको पैसा लगाना पड़ेगा। और सबको सबसे बड़ी अचीवमेंट है फ्री वैक्सीन, वो भी 100 करोड़ लोगों को लगी है। तो मोदी जी है, मुमकिन होगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मुझे आपसे ये बात पूछनी थी कि जो जैसे वैक्सीन का पहले जो उत्साह था कि इतनी जल्दी वैक्सीन कैसे बन गई, ये सारे जो अपोजिट जो होते हैं वो बोलते हैं, वो तो बोलते रहते हैं सर अपोजिशन में, तो बोलना है तो ये मतलब ये सब बेकार की बात है सर। ये तो एक उपलब्धि है, ये तो मैं कह रहा हूँ ना। इतना बड़ा देश है सर, इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतना वो इतने डोज उपलब्ध कराना, ये तो एक सर वो भी फ्री में, वो भी फ्री में सर। और आप देखो ना, एक्चुअली क्या ये मेरे ख्याल से लगाने के बाद कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा बढ़ गया है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है, लोग बच गए सर। ऐसे ऐसे लोग तो मैं देखा हूँ सर, मैं कोरोना में भी बैठता था, पेशेंट देखता था सर, और हमारे वहाँ पे तो जो जिसको लगे हो तो उसको तो एनर्जी बूस्ट हो जाता था कि मेरे को लग गया। तो वैसे भी वो एंग्जाइटी से लोग गए, स्ट्रेस से गए लोग, मोस्टली जो जंग मैंने 22 साल के सर मैंने देखे हैं जो स्ट्रेस में। हमारे पास पेशेंट एक था सर, एक लेडीज आती थी मेरे पास, शी वाज डायबिटिक, शी वाज हाइपरटेंशन, शी वाज COPD केस था वो, मतलब एस्थमेटिक, शी वाज ऑल्सो एस्थमेटिक। इंस्टेड ऑफ दैट वो बोलते मैं डॉक्टर साहब मैं उसका, क्योंकि उसका ठीक था, वो उसका वो हौसला था, विल पावर था। अच्छा, तो वो हर सैचुरेशन हुआ 75, ऑक्सीजन सैचुरेशन 75 सर, बाय गॉड मैं आया ट्रीटेड हर सर। तो वो घर बैठे हो, मैं नहीं जाना, बोला डॉक्टर साहब आप ठीक करना है, आपने मुझे ठीक करना है, बस मैं तो ठीक हूँ, उसके ये वर्डिंग होते। रात को मैं व्हाट्सअप देखता तो उसके मैसेज आते थे वो सैचुरेशन का ना इतना है मेरे का। फिर धीरे धीरे मैंने फिर उसने थोड़ा स्टीरॉइड्स वगैरह पे भी, पर उन वैक्सीनेट होने के बाद काफी कॉन्फिडेंस आया, कॉन्फिडेंस काफी था, ऐसे भी मैंने सर देखे हैं कि मतलब 22 साल के जो जिनको कोई परेशानी, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था, कोई कुछ नहीं था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, दे डाइड बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ एंग्जाइटी। जिसके पास विल पावर था वो बच गया। और वैक्सीन का तो बहुत ही, मैं मोदी जी का बहुत ही फैन हूँ सर। मोदी जी ने तो ऐसा आदमी तो मेरे ख्याल में हमारे देश में कभी जिंदगी में आया है ना सर। मैंने तो अपनी जिंदगी में ऐसा पढ़ा, मैंने भी हम तो पूजा करते हैं सर, हम जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, कश्मीरी पंडित हूँ मैं सर। अच्छा अच्छा। तो उसकी सुधे मेरी माता जी उसकी पैर छूती पहले, क्या बात क्या बात सर। ये उपलब्धि है, ये उपलब्धि है, ये उपलब्धि है। आज के टाइम में एक छोटी सी और उपलब्धि बताऊँ, आपने कई न्यूज़ चैनल देखे होंगे जो लाइव चल रहे हैं श्रीनगर लाल चौक पे, पहले आपने देखे कई चैनल चलते हुए? मैं भी इन्होंने ये थोड़ी देखा, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, सिख है, या सबको लग रही है, सबको लग रही है। हमारे में सारे दोनों डोज भी कम्प्लीट हो रहे हैं, सेकंड डोज भी कंप्लीट हो गया सर जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में काफी फर्क पड़ गया है। अरे बहुत सर, 370 हट गया तो बहुत बड़ा पड़ गया, हमारे लोगों को बिजनेस मिलने लग गया। हमारा सर, हमारे इन्होंने मंदिर खंडित किए थे सर, अभी हमारा ब्रदर हम जा रहे थे, हम जाके देख रहे हैं वहाँ मंदिर भवन हो रहे थे, अब थोड़ा बहुत ही तो वापस आ रहे हैं। अब इस चक्कर में इन्होंने थोड़ा बहुत अदरवाइज तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो रहा है वहाँ पे, तो बहुत बढ़िया, पहले से तो लाख दर्जा बढ़ता है सर, टूरिज्म बढ़ गया, सब चीज बढ़ गया सर। धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे चैनल पे आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
पहुंचे। परवेश जी की वेट करें सर, आएंगे सर वो राजौरी गार्डन में समझ। सीता जी नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए हमारे इस क्लब में, और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको कि आप सेक्रेटरी की पोस्ट में मिलते हैं। थोड़ा बताएंगे डीडीसी के अंदर आप क्या क्या चेंजेस चाहते हैं लाना? डीडीसी में सर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो है क्रिकेट सिलेक्शन, फेयर सिलेक्शन नहीं होता, तो ये सालों साल से प्रॉब्लम है। उसमें ऐसे बच्चों को सिलेक्ट कर दिया जाता है जिनमें प्रतिभा की कमी है, और एज ग्रुप का बड़ा फ्रॉड चलता है। ऐसे बच्चे जिनकी एज को फज करा के उनको कम कराया जाता है, और एक अच्छे बच्चे की एज को ओवर एज करा दिया जाता है। ये क्रिकेट में फेयर सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए मैं काफ़ी समय से लड़ाई कर रहा हूँ, और एक दो लोग बहुत ही गलत हैं जिनके एज में खड़ा भी हूँ। और इसके अलावा एक समस्या है हमारी कि जो छोटे बच्चों के लिए, जो एज ग्रुप के बच्चे हैं, जो बच्चे ड्रॉप हो जाते हैं, उनके लिए हम उनकी मेंटल एस्पेक्ट पे काम नहीं कर रहे। तो बेसिकली क्रिकेट इज़ माय प्राइमरी प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद क्लब फैसिलिटीज़ को बढ़ाना। क्या क्या चेंजेस चाहते हैं क्लब के अंदर, जैसे क्या आप चेंज कर सकते हैं आपकी जब सेक्रेटरी पोस्ट जीत जाते हैं? सर चेंजेस क्लब में अगर मैं कुछ भी करूँगा अपने आप और टीम के साथ, तो वो ऐड ही होगा, क्योंकि हमारे क्लब में अभी कुछ है ही नहीं। अभी हमारे क्लब में एक बैठने की जगह नहीं है, लोगों के बैठने की जगह नहीं है, मेंबर्स के बैठने की जगह नहीं है, एग्जीक्यूटिव के बैठने की जगह नहीं है, कोई भी रेस्टोरेंट नहीं है अच्छा, बार हमारा बंद है, कोई और ऐसी फैसिलिटीज़, कोई स्विमिंग पूल या बाकी सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं है। तो कुछ भी होगा तो क्लब में ऐड होगा, तो ये सारी चीज़ें जैसे दिल्ली जिमखाना क्लब या गोल्फ क्लब, यहाँ के मेंबर्स अपनी मेंबरशिप पे बड़ा गर्व महसूस करते हैं, पर डीडीसी के मेंबर्स के बारे में आप ऐसा नहीं कह सकते। यहाँ पे भी अगर मेंबर्स हैं आप पूछेंगे आपको आर यू प्राउड ऑफ बीइंग मेंबर ऑफ डीडीसी। तो धन्यवाद सर हमारे चैनल पर आने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर इलेक्शन, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी उम्मीद जी, कमल जी, सानी साहब, तो सारे योगा वाले मेंबर्स को बुला दो। बाबू हाँ जी, नहीं अरे आओ ना, ये बताएंगे आज हमारे बीच श्री सिद्धार्थ साहब सिंह वर्मा हमारे बीच में पधारे हैं। मैं इनका अपने रोज पार्क क्लब की तरफ से, मॉर्निंग वाटर क्लब की तरफ से स्वागत करता हूँ। सिद्धार्थ जी आप सब जानते हैं, जो प्रवेश वर्मा जी हमारे क्लब के भी मेंबर हैं और मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनके छोटे ब्रदर हैं। इनकी फैमिली का कोई इंट्रोडक्शन तो दिल्ली में हर बंदा बच्चा बच्चा जानता है। साहब सिंह वर्मा एक नाम था, ईमानदारी का और काम करने वाला बंदे थे। वो चीफ मिनिस्टर रहे, सेंटर में मिनिस्टर रहे, बहुत उपलब्धियां हैं साहब सिंह वर्मा जी की। पूरी दिल्ली के जो लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस से है चाहे वो बीजेपी से है, उनको वोट लाइक करता था। साहब सिंह वर्मा जी का परिवार है, और इन दोनों बच्चों में प्रवेश ने और सिद्धार्थ जी ने अपने बाप का नाम आगे बढ़ाया है, कम नहीं किया है, बहुत बढ़ाया है। प्रवेश जी तो खैर दो बार इलेक्शन जीत चुके हैं मेंबर पार्लियामेंट का, उनके इलाके में बहुत बातचीत है, बहुत लोग उनसे अच्छे प्यार करते हैं, हर बंदे का काम करते हैं। वो भी आज आने थे मगर किसी वजह कहीं रुकना पड़ गया उनको, वो नहीं पहुँच पाए। सिद्धार्थ जी का इतना बता दूं कि ये एक क्रिकेटिंग वर्ल्ड के आदमी हैं, और डीडीसीए के इलेक्शन है ये सेक्रेटरी पोस्ट के लिए खड़े हैं।
और ये जो बॉडी है ये क्रिकेट के लिए ही बनी है, क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए ही बनी है। तो हम तो यही चाहेंगे कि ये अपर जितने भी मेंबर सेलेक्ट हों सारे क्रिकेटिंग प्लेयर्स होने चाहिए, बाहर के पॉलिटिशियंस नहीं होने चाहिए। क्रिकेट को जो बढ़ा सकता है वो एक क्रिकेट वाले प्लेयर की जानता है फीलिंग, इसको क्या प्रॉब्लम है और इनको आगे क्या करना है, ये क्रिकेट जो खेलता है वो जानता है। ये 40 से ऊपर मैच रणजी ट्रॉफी के खेल चुके हैं पहले अपने सिद्धार्थ जी, और अभी पैच डायरेक्टर भी रहे हैं। इनको एक एक प्लेयर की हर चीज़ की नॉलेज है, किसको क्या प्रॉब्लम है, किसको कैसे बढ़ाना है, DDCA को कितना टॉप ऑफ वर्ल्ड पे लेके आना है। पिछले दिनों में हमने देखा IPL चल रहा था तो दुबई में जो दुबई स्टेडियम है इंटरनेशनल स्टेडियम, मार्वलस स्टेडियम, और दिल्ली एक इंटरनेशनल सिटी है, यहाँ तो उससे भी बढ़िया स्टेडियम होना चाहिए, हम तो बहुत बड़े देश हैं उसके मुकाबले। तो मेरी तो यही मन की इच्छा है कि ये जो है ना DDCA जो जितने भी बंदे पर सेलेक्ट हो वो क्रिकेटर्स होने चाहिए, प्लेयर्स होने चाहिए, ताकि वो एक फील आ जाए कि ये बॉडी उनके लिए। तो मैं सिद्धार्थ जी का पहले स्वागत कराऊंगा, श्री जौहर साहब इज द लाइव मेंबर ऑफ DDCA, ये लाइव मेंबर है DDCA के। ये बहुत पुराने मेंबर हैं और मैंने ये कई दिनों से बीमार है, आ नहीं रहते, मैंने रिक्वेस्ट तो फिर भी मैं महेश कपूर जी को रिक्वेस्ट करूंगा। आप इतने पुराने आदमी का नाम ले रहे हैं, महेश कपूर जी ये भी DDCA के मेंबर है, तो और भी जिन्होंने प्लीज हार दिए नहीं। मेहता जी, मेहता जी, ईश्वर जी, राजेश जी, कमल शर्मा जी, समझ गए कि खड़ा आप नहीं खड़ा। बोरा साहब ये तो आपके बहुत फैन है, बोरा साहब ये क्रिकेटिंग वर्ल्ड के हैं, आओ सर। कौशल जी आओ ना सर, ये भी हमारे क्लब के बहुत सीनियर मेंबर हैं, कौशल जी और ये योगा के लीडर हमारे राव जी, और भी भाई जिसके पास हार है तो आगे आ जाए यार। DDCA में डॉक्टर धन है, ये मेघनाथ जी पुराने रावण के जमाने से मशहूर है, चौधरी साहब बढ़िया आदमी, बहुत ही खुश दिल, बहुत ही बढ़िया आदमी चौधरी साहब। मैं दोस्त पार प्लग की तरफ से और माने वाकर तरफ से ये दिलमर गिल जो होस्ट है एक्चुअली आज की पार्टी का, ये इसको हार तो हम डाल देते हैं, सरदार जी आप डाल दो। चलो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिद्धार्थ जी आप कुछ अपने बारे में और कुछ जो आप करना चाहते हैं उसके बारे में बताइए प्लीज। मैडम ये स्पेशली श्रीनगर से आएंगे प्लीज, यहाँ बड़े दूर दूर से लोग आ जाए हैं आपके स्वागत के लिए सर। सतीश जी ये अभी लोकल, अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सिद्धार्थ जी प्लीज आप अपने बारे में बताइए। हाँ जी भाई साहब, हाँ जी सर, रोज क्लब के सारे मेंबर्स को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हम पहले बिल्कुल करीब रहते थे लोधी गार्डन के, तो मैं रोज इस गार्डन में आता था सुबह और शाम, अब थोड़ा सा दूर चला गया हूँ तो आना थोड़ा कम रहता है। हम DDCA का एक बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव लड़ रहे हैं, क्रिकेट आप सब जानते हैं देश में एक धर्म की तरह है, लोग पूरे का पूरा समय क्रिकेट में खेलने में या बात करने में लगा देते हैं, पर बड़ा दुर्भाग्य है कि देश की राजधानी में क्रिकेट की जो जो सिचुएशन है, जो व्यवस्था है, वो बहुत ही ख़राब है। उसका सबसे मुख्य कारण है कि यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है विच इज़ नॉट फेयर, और ये अभी से नहीं कई सालों से ऐसा चलता आ रहा है।
मैं एक रणजी खिलाड़ी रहा हूँ, रणजी ट्रॉफी जीती हुई टीम का सदस्य रहा हूँ, स्टीफन कॉलेज का मैं क्रिकेट कैप्टन था, दिल्ली की अंडर-23 टीम का क्रिकेट कैप्टन था, और अनेकों सेंचुरी बनाने के बाद भी मुझे खुद दिल्ली से खेलने का मौका नहीं मिल रहा। 2 साल तक मैं वेट करता रहा और मुझे उसके बाद दिल्ली छोड़कर स्टेट चेंज करनी पड़ी और मैं वहाँ से खेला और अब रणजी ट्रॉफी जीते हुए। इस पूरे चुनाव में 33 कंटेस्टेंट हैं, 33 कंटेस्टेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग। इट्स अनफॉर्चुनेट दैट आई एम दी ओनली वन ओनली क्रिकेटर हु हैज प्लेड 26 रणजी मैचेस। देयर इज नो अदर कंटेस्टेंट हु हैज प्लेड। बात भाई साहब ने भी बिल्कुल सही की कि क्रिकेट एसोसिएशन है, क्रिकेटर्स को आना चाहिए। मेरा मानना है कि कुछ सदस्य नॉन क्रिकेटर्स भी आ सकते हैं जिनकी सोच ठीक हो, जो क्लब को भी आगे बढ़ाएं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई क्रिकेटर ही ना हो, तो 50% का कोटा हो क्रिकेटर्स का, 60% का कोटा हो, पर दूसरे सब लोग नॉन क्रिकेटर्स और ऐसे लोग इसमें घुसे हुए जिनका घर इस एसोसिएशन से चलता है। ऐसे लोगों का आना बिल्कुल सही नहीं है। मैं 2011 में डायरेक्टर मेंबर बना, 2012 में डायरेक्टर जीत के आया, 2013 में दोबारा जीत के आया। हमारे यहाँ पे इतनी समस्या थी कि कोर्ट ने एक एडमिनिस्ट्रेटर बिठा दिया जस्टिस बुकुल मुडगिल, और उन्होंने मुझे क्रिकेट ऑपरेशन का काम दिया। तो मैं जैसे मैं अभी चुनाव लड़ रहा हूँ, तो मैं जीत के आया तो मैं क्या करूँगा। हमारा ऑलमोस्ट 2 पैनल के खिलाफ हम ऑलमोस्ट 5 लोग इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे, हमने फिर डिसाइड किया कि अब इकट्ठे हो जाते हैं। मेरी लड़ाई यहाँ पे एक दो बड़े बड़े जो हम बोलते हैं ना गंदी मछली, उनके खिलाफ है। जब मुझे जिम्मेदारी मिली जैसे बुकुल मुडगिल के अंडर, तो मैंने क्या किया, तो हमारे यहाँ पे मुझे जब क्रिकेट ऑपरेशन का मुझे हेड बनाया गया, तो सिर्फ 6 महीने के अंदर DDCA को, जो बहुत अच्छी खबरें DDCA के बारे में बहुत कम सुनने को मिलती हैं, हमें बेस्ट ग्राउंड और पिच का अवार्ड मिला गया पूरे IPL में, पूरे देश में। एक और बहुत बड़ी समस्या थी कि जो हमारी अपॉइंटमेंट होती थी, कोच मैनेजर सपोर्ट स्टाफ ट्रेनर स्कोरर अंपायर, इनको अपॉइंट कर दिया जाता था कि आप इस फलाना सीजन के लिए आप कोच नियुक्त हो गए, और एक 2 लाइनों का एक लेटर मिलता था, उसके ऊपर रेमुनरेशन नहीं लिखी जाती थी। तो जब काम खत्म होता था तो वो सारे सीनियर प्लेयर सीनियर कोचेज आते थे पैसे मांगने, कि हमने काम किया हमें पैसे दिए जाएंगे। तो देखते थे आपका तो लिखा ही कुछ नहीं है लेटर में कितने पैसे दिए जाएंगे। तो अपनी इच्छा के अनुसार जो मुझे वो 5 लोगों में जो अच्छा लगता है उसको 2 लाख रुपये दे दिए, जो अच्छा नहीं लगता उसको 20,000 रुपये दे दिए, किसी को दिए ही नहीं। तो इतनी रिच बॉडी होने के बाद भी, रिचेस्ट क्रिकेट इन वर्ल्ड में रिचेस्ट बॉडी होने के बाद भी DDCA में लोगों को पैसे नहीं दिए जाते थे, और ये पिछले 20 साल से चल। तो 2016 में हमने जस्टिस बुकुल मुडगिल के साथ मैंने बैठकर 2.5 महीने इस पर काम किया, और हमने लीगल डॉक्यूमेंट एक बनाया, लीगल एग्रीमेंट DDCA वर्सेस जो भी अपॉइंट जिसकी होगी। उसका नतीजा ये हुआ 2016 से वो सेम डॉक्यूमेंट सेम अग्रीमेंट अभी चल रहा है। एक भी प्लेयर इनके सपोर्ट स्टाफ इनके कोच मैनेजर ऐसा नहीं है जिसके पैसे ना रोके, सिर्फ उस एग्रीमेंट बनाने की वजह से। तो अगर हमारे पास इच्छा शक्ति है विल पावर है काम को करने की, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे 2-3 लोग ऐसे लड़ रहे हैं चुनाव, तो मैं सेक्रेटरी के पद पे चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरे सामने 2 व्यक्ति हैं, मैं ब्रीफली आपको बताना चाहता हूँ। उनमें से एक है विनोद तिहारा, वो व्यक्ति अभी 2,000 करोड़ का GST का फ्रॉड उसने किया हुआ है, चार्जशीट फाइल्ड है, जेल रह के आ चुका है, बेल पे बाहर है। दूसरा उसके ऊपर चार्जशीट फाइल है बच्चों की एज फ्रॉड का। वो क्या करता था, बच्चे जो उसको लगता था जो थोड़े से संपन्न हैं उनको कैसे अपने थ्रू खिलाया जाए, अपने क्लब में बुला के उनके डॉक्यूमेंट्स चेंज करा के उनकी एज कम करा के उनको खिलाया जाता था। और ऐसे अच्छे बच्चे अगर कोई हैं तो वो खेल ना जाए, उसको पता है कि अच्छा बच्चा तो टीम में आ ही जाएगा अंडर 16 अंडर 19 अंडर 23 एज ग्रुप। तो बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से उन बच्चों को ओवरएज करा दिया जाता था ताकि वो खेल ना पाए। ऐसे भी चार्जशीट का मामला उनके ऊपर चल रहा है, और वो कोविड की वजह से शायद मुझे लगता है बच गए, क्योंकि कोच बहुत ज़्यादा चल नहीं पाई। किसी भी दिन वो चार्जेस फ्रेम होंगे और वो जेल के अंदर जाएगा।
इन लोगों ने डीडीसी का नाम खराब कर रखा है। एक दूसरा कैंडिडेट है सेक्रेटरी का, जैसे राकेश बंसल, वो उनके बड़े भाई एसपी बंसल, वो प्रेजिडेंट होते थे, दोनों ने मिलके दिल्ली भर में उनके ऊपर कम से कम 150 बैंक फ्रॉड के केस चल रहे हैं। जब इनके भाई एसपी बंसल प्रेजिडेंट थे तो उन्होंने डीडीसीए का 1,55,00,000 रुपया वो एक तीसरी कंपनी में ट्रांसफर करके अगले दिन अपने पास ही ले लिया। तो जब हमें पता चला, हम बड़े 24 लोगों में हम सिर्फ 7 डायरेक्टर थे जिनको जो उनके इस लड़ाई के खिलाफ लड़ रहे थे, पर हमने ताकत दिखा के उनको प्रेजिडेंट पद से हटाया, प्रेजिडेंट पद से हटाया। और हमने चेतन चौहान जी को, जो क्रिकेटर हैं, अब वो रहे नहीं हमारे बीच में, स्वर्गीय चेतन चौहान जी, उनको हमने प्रेजिडेंट बनाया। उससे फ़ायदा ये हुआ कि अगले 3-3.5 साल जो है डीडीसी में बड़ा सुचारू रूप से चला। मैं ऐसा नहीं कहता जो दो पैनल लड़ रहे हैं उसमें सारे लोग खराब हैं, सारे लोग खराब नहीं हैं, पर कुछ लोग बहुत खराब हैं और हमारी लड़ाई जो है उन्हीं लोगों के खिलाफ। इस जगह से मुझे लगता है सबकी सोच इसी तरह से है कि खिलाड़ियों की जगह है, हम सब इसमें एक ही मत हैं कि ये खेल में ऐसा गलत काम नहीं होना चाहिए और इसीलिए हम इकट्ठे हुए हैं। खेल हमेशा साफ रहना चाहिए, राजनीति अपनी अलग जगह है, खेल अपनी अलग जगह है, खेल में राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो यही सब सोच के साथ मैं चुनाव में उतरा हूँ और जैसे आप लोगों ने एक बहुत कम समय में इतनी अच्छी संख्या में मुझे यहाँ आशीर्वाद दिया है, ऐसे ही जगह जगह जाके जो मेंबर से मिल रहे हैं, 4,000 मेंबर हैं, दिन बड़े कम थे, 12-13 दिन का चुनाव था, तो सब लोगों से बड़ा समर्थन मिल रहा है। मैं पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव चुनाव लड़ता हूँ, मेरे में क्या पॉजिटिव है, उनमें क्या नेगेटिव है। जब वो लोग 25-30 साल डीडीसी में रहने के बाद कुछ नहीं कर पाए तो अब आगे क्या नया करेंगे। एक का भाई प्रेसिडेंट रहा, एक खुद 25 साल से रहा, उनकी अगर आप उनका पढ़ोगे प्रोफाइल तो उनके प्रोफाइल में लिखा है ये बड़े जाने माने व्यक्ति हैं क्रिकेट जगत में, उनकी कोई वो जो उपलब्धि नहीं लिखी, उन्होंने आके किया क्या। इतने खराब लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़नी है और ऐसा ही समर्थन मुझे सब जगह से मिल रहा है जैसे आप लोग कर रहे हैं और मुझे लगता है कि हमारी जीत सुनिश्चित होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा आपको विश्वास दिलाते हैं मास्क। हमारे क्लब के जो 20-25 मेंबर हैं डीडीसी की भी हैं, उनकी सबकी वोट ब्लाइंडली, हमने तो वीपी इशू कर दिया है, वोट इस कार जी को देना है और अगेंस्ट गुप्ता जी हमारे ट्रैक्टर के लिए। तो आपको थोड़ी शोर देता हूँ सर, और मुझे उम्मीद है जीतने के बाद दोबारा यहाँ पर आएंगे आप, तो दोबारा आपसे हम धन्यवाद ही देंगे, पार्टी बड़ी देंगे। थैंक यू वेरी मच। तो मैं खींचू अरे पार लाख सुरिंदर आओ चल के पादे पे आ जाए ना कुछ ना पाए मान लो
हमारे नेता के साथ इस तरह बंदा सीखो यार कदा सीखो एक मिनट।